जी नाजरीन, अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर का एक मारूफ रोड है एबट रोड। यहाँ पे भी गाड़ियाँ चल रही हैं, धुआं निकल रहा है, फिजा हमारी आलूदा हो रही है। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आज के हमारा माहौल इतना ज़्यादा आलूदा क्यों होता जा रहा है, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इंतजाम करिए हमारी हुकूमत या हमारे इदारे जो हैं इस माहौल को हमारे लिए साजगार बनाने के लिए। इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं, बसीर तजर्बा रखते हैं और सारे मामले पर उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या हमारी हुकूमत कर रही है और क्या करने जा रही है और हमारा माहौल जो है वो इतना क्यों आलूदा है। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जानना चाह रहे हैं माहौल पे, आपके सामने ही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रीज का बुरा हालात है, तो क्यों इतनी ज़्यादा आलूदगी बढ़ती जा रही है हमारे जो माशरे में, हमारे माहौल में? देखें, जब भी हम कुदरत से खिलवाड़ करते हैं ना, तो उसका नतीजा फिर हमें मुख्तलिफ सूरतों में भुगतना पड़ता है। खिलवाड़ इस सेंस में आप कह लें कि जो एक नेचर का एक सिलसिला था, जो एक इकोसिस्टम बना हुआ था, हमारी बहुत सारी कबाहतों की वजह से, हमारे इकदाम की वजह से उसमें गड़बड़ हुई, और उसके नतीजे में एक मसला ख़त्म नहीं होता तो दूसरा मसला शुरू हो जाता है। ठीक है, और चूँकि पर्टिकुलरली आप बात कर रहे हैं स्मोक की, तो उसके हवाले से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त दुनिया में माहौलियात के हवाले से जिन 10 ममालिक में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार तब्दीलियाँ आ रही हैं, हमारा मुल्क उनमें से एक उनमें से शामिल है। ऐसे ही है। और थोड़ा सा पस मंज़र स्मोक का आपको ये भी बता दूँ कि इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि गुज़श्ता साल हमारे यहाँ पर बारिशें, और ये जो साल चल रहा है इस एक साल को कैलकुलेट करें तो हमारे यहाँ पर मजमुई तौर पर 40% बारिशें कम हुई हैं। ठीक है, उसकी वजह से पानी का इशू तो बहरहाल बना। अब आते हैं उस मसले की तरफ, स्मोक के मसले की तरफ, जिसके बारे में आप बात की है आपने। तो ये 2-3 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था, और इशू ये हुआ है कि सर्दियां जब शुरू होने लगती हैं तो फोग बनने का सिलसिला शुरू होता है, उसके साथ जब फैक्ट्रियों का केमिकल और ये जो गाड़ियों का धुआं है ये मिलता है, तो वो स्मोक की सूरत इख्तियार कर लेती है। पाकिस्तान में पिछले हमने ईयर में देखा कि एक पीक पे थी स्मोक, तो हमारी हुकूमत ने क्या इकदाम किए? देखें, अगर आप एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से बात करेंगे तो वो आपको एक लंबी चौड़ी फहरिस्त गिनवाएंगे कि हमने ये स्टेप्स लिए हैं, हमने फैक्ट्रियों को बाउंड किया है कि वो फिल्टर लगाएं चिमनियों के अंदर से जो धुआं निकलता है उसको फिल्टर करने के लिए। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि अच्छा, अगर आपने इतने ज़्यादा इकदाम किए हैं तो उनका नतीजा क्यों नहीं निकलता, तो उसका जवाब नहीं होता। उसकी वजह यह है कि एक तो अगरचे आप इस वक्त तारीख के सबसे ज़्यादा जो बजट है तारीख में, वो इससे पहले कभी महकमे माहौलियात को इतना बजट नहीं मिला जितना अब उसको मिल रहा है। लेकिन अगर आप एक काम को नीम दिली से अंजाम देंगे तो फिर हो नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल। अभी आप देखिए कि लाहौर में हज़ारों फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं कि जिनकी चिमनियों में कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, उसकी वजह यह है कि ये इतना महंगा आता है और फिर इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, और कोई भी फैक्ट्री मालिक जो है वो क्या करेगा कि वो ये फ़िल्टर लगाने की बजाय, इतने ज़्यादा खर्चा उठाने की बजाय, वो माहौलियात का जो अहलकार हैं उनसे वो अच्छा करप्शन मतलब शुरू हो जाती है। वो करप्शन इसमें इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बजट भी है, लेकिन वो करप्शन का जो अफरियत हमारे यहाँ पे सराहियत कर चुका है ना, वो हर जगह नज़र आता है। अच्छा, इंडिया में लास्ट ईयर को आपको याद होगा दिल्ली में बड़ी ज़्यादा स्मोक, तो उन्होंने एक तरीका अपनाया था कि एक आर्टिफिशियल बारिश की गई थी, तो पाकिस्तान में क्या वो टेक्नोलॉजी है हमारे पास और क्या उसका सिस्टम? देखिए, उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि आर्टिफिशियल बारिश जो है वो एक तरीका है ज़रूर, लेकिन उसके भी मुज़मरात हैं। अच्छा, फिर सर मुझे ये बताएगा कि हमारे इदारे जड़ तक पहुँचे हैं अब तक या नहीं, क्योंकि कल हमारे डायरेक्टर माहौलियात से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी अभी तक 9 जो इंडस्ट्रीज़ हैं ना, उन्होंने वो फिल्ट्रेशन जो आपने कहा कि आला बड़ा महंगा होता है वो लगाया है, तो क्या सिर्फ एक साल के अंदर ये कार्रवाई इतनी सी सिर्फ कि जी वॉन कर देना आपने, सिर्फ तमाम जो भट्टे हैं उनको वॉन कर दिया आपने, और अगर उन्होंने कहा कि जी अगर अब ये आलात नहीं लगाते तो हम इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देंगे इन 2 महीनों के लिए दिसंबर तक, क्या ये काफ़ी है? नहीं, ये मुमकिन नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि अगर वो इंडस्ट्री को बंद करेंगे तो इंडस्ट्री में हज़ारों मजदूर काम करते हैं, जब इंडस्ट्री बंद होगी बेरोज़गार होंगे, और ये एक इंसानियत का फैक्टर भी उसमें आ जाता है, बेरोज़गार होंगे तो वो फिर सड़क पर आएंगे और गवर्नमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको। तो पहली बात तो ये है कि ये कलीलुल मुद्दत इकदामात से कंट्रोल नहीं। ठीक है नाजरीन, सुहेल कैसे सब हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी सजेशन में यही कहा है कि जी दरख्त लगाने चाहिए और जो फैक्ट्रीज का धुआं है वो फिल्टर होकर बाहर निकले
और होना भी यही चाहिए कि जब हम एक काम करते हैं, अपना फैक्ट्री चला रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रीज जो हैं, तो जिम्मेदारी भी उनकी ये बनती है कि जी कम से कम उस तरह के आलात लगाने चाहिए कि आपका जो धुआं निकलता है चिमनियों से बाहर वो हमारी फिजा को आलूदा ना करें। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम स्मोक की और हमारे इन्वायरमेंट की, माहौल की बात हो रही है कि हम किस तरह इसको सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह अपने लिए अच्छा माहौल हम अपने आने वाले नस्लों को फराहम कर सकते हैं। तो जंगलात एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं हमारे दर्जा हरारत को कम करने में, पोल्यूशन को कम करने में। इसी हवाले से अभी हम मौजूद हैं, हमारे साथ मिनिस्टर मौजूद हैं फॉरेस्ट पंजाब के सिप्तन खान साहब, उनसे हम गुफ्तगु कर लेते हैं, जान लेते हैं कि नई हुकूमत ने इनिशिएटिव तो लिया है दरख्त लगाने का। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। खान साहब बताएगा किस तरह इनिशिएटिव एक ले लिया, इसको किस तरह लेके चलेंगे पंजाब की हद तक बात की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत एक सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव इशू पे आप लोग अवाम की अवेयरनेस के ऊपर और स्मॉग को आप लेके जो आए हैं, दैट इज़ समथिंग रियली टू बी अप्रिशिएटेड। और लाहौर न्यूज़ और दुनिया चैनल का मैं थैंक्स शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने स्मॉग को कम करने के लिए अपनी मिनिस्ट्री के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस देनी है और ग्रीन पंजाब और ग्रीन पाकिस्तान इस लेवल तक हमने ग्रीन करना है कि वो जो ग्रीनरी है वो स्मॉग को कट करे और स्मॉग को कम करे। इसमें आपकी जो मिनिस्ट्री है, आपका डिपार्टमेंट है, वो काम तो शिदतकारी मुहिम शुरू कर दी, अब इस मुहिम को आगे कैसे लेके चलेंगे और पुराना जो वक्त गुजरा है उसमें कितने दरख्तों की कटाई हुई है लाहौर में? हम लग गए बिल्कुल कमर बांध के कि हमने कॉन्क्रीट पंजाब बनाना है। हम कॉन्क्रीट पंजाब बनाएं जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों, रोड्स हों, पुल हों, मेट्रो चले, ऑरेंज चले, आप ये करें। लेकिन इन चीज़ों के साथ ये हक आपको किसने दिया है कि आप फॉरेस्ट्री को तबाह कर दें, आप दरख्त काट लें, आप जंगल उजाड़ दें? यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। अब उसका हमने एक तो हमने मुहिम शुरू की है, तकरीबन 96 लाख पौधा हमने लगाए इन पिछले चंद महीनों में। जिस दिन हमारा फॉरेस्ट डे था ना 2nd of September, उस दिन हमने 3 लाख पौधा लगाए और ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। पंजाब में पूरे में या पूरे लाहौर में आपने लगाए? ये मैं पंजाब की बात, ठीक है, पूरे पंजाब। अब हम तकरीबन कोई 2.5 करोड़ पौधे की नर्सरी तैयार कर रहे हैं जो अगले फरवरी मार्च में हम स्टार्ट करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि मोहम्मद सिप्तान खान आप लगा तो रहे हैं तो हमारे पास क्या प्रूफ होगा कि वो लगते भी हैं या नहीं लगते? ये एक आपके चैनल की वसातत से मे भी किसी के जेहन में आ जाए। तो हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं GIS सिस्टम के साथ। अच्छा। हम सेटेलाइट के ज़रिए उसको मॉनिटर करेंगे और अगर इस वाइट एरिया में हमने 1000 दरख्त लगाए तो अगर इस 1000 से 50 दरख्त भी कटेंगे ना तो सेटेलाइट के जरिए हमें पता चल जाएगा। और जिस एरिया से, जिस फॉरेस्ट गार्ड, जिस DFO, जिस SDFO, जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, जिसके एरिया से दरख्त कटेगा फिर वो नौकरी नहीं। ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम आपने, ये तो न्यूज़ दे दी आपने, बहुत बड़ी सैटेलाइट के जरिए। और ये मैं आपको ये न्यूज़ ब्रेक कर रहा हूँ, हम वो निज़ाम बनाई बैठे हैं फॉरेस्ट वाले, हम वो किए बैठे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे। और फिर हमने पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम किया, ठीक है। पहला हिस्सा जो एक नेचुरल फॉरेस्ट, रगें आती हैं जमीन की भी तो रगें होती हैं ना, वेव्स होती हैं, जो रगें आ रही हैं जैसे आपके हिली ट्रैक, आपका मरी है, आपका कोटली सतिया है, आपका कोठार है, वहाँ हम सीड्स फेंकेंगे हेलीकॉप्टर के ज़रिए। और इंशाल्लाह, क्योंकि वहाँ नेचुरल बारिशें इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो एक अल्लाह का निज़ाम है, कुदरती निज़ाम है, वहाँ आपके प्लांटेशन जो है वो बहुत बड़ी जल्दी होगी। नंबर टू, फिर हम डिमार्केशंस कर रहे हैं उन एरियाज़ की जैसे सियालकोट है, ठीक है, नारोवाल है, गुजरांवाला है, जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, ठीक हो गया, वहाँ पे आप इस तरह करेंगे वहाँ। और तीसरी वो आ जाएगा जहाँ थल वाले इलाके और जहाँ बारिशें कम। तो ये 3 कैटेगरीज़ को पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट कर। शिदतकारी मुहिम बड़ी अच्छी आपने बात कर दी कि करोड़ों की तादाद में आप पंजाब में पौधे लगाने जा रहे हैं, इसको हेल्प किस तरह लेंगे इन नर्सरी को कायम करने के लिए? जिस तरह आप हेल्प ले सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से, बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, शोबे सितारे हैं, तो क्या प्लान क्या है, कब तक हमारा ये हमारा प्लान ये है कि हम प्योरली फॉरेस्ट्री पे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर अब हम रिलाय नहीं कर रहे। अच्छा, हमने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि बहुत बड़ी बात है, दैट इज़ अर्बनाइज्ड
फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, अर्बनाइज्ड फॉरेस्ट्री, उसमें ये है कि जितने भी हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे हमारे कमिश्नर हैं, हमारे ज़िले हेडक्वार्टर्स पे हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, हम जंगलात का महकमा उन अफसरान को असिस्ट करेगा और उन दरख्तों की ओनरशिप हम कमिश्नर हजरात और डिप्टी कमिश्नर हजरात को देंगे, लगा के हम देंगे, प्रोवाइड हम करेंगे, बट ओनरशिप उनकी होगी। जितनी बड़ी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, फिर जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं उनको हम पाबंद कर रहे हैं कि हम एक समरी बना रहे हैं कानून में तब्दीली, यस, कि उतने तक एलडीए या जो भी कंसर्निंग उनकी अथॉरिटीज़ हैं वो हाउसिंग सोसाइटी हाउसिंग स्कीम को पास ना करें जितने तक उसमें इतने परसेंटेज, वो परसेंटेज अभी हम डिटरमिन करें, बिकॉज आज मुझे टोटल 25 दिन हो गए, टोटल मुझे आज 25 दिन हुए महकमा संभाले हुए, और हम ये कानून अवाम को दे रहे हैं कि जिसमें ये हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों इनकी अप्रूव ही नहीं होगी जब तक इतने परसेंट वो बीच में फॉरेस्ट नहीं लगा। आपने माहौल को बेहतर करने के लिए किसी भी मुल्क का जो रकबा होता है 20% जंगलात पर मुश्तमिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, तो हमारे यहाँ तो सिर्फ 4-5% जंगलात है। इसमें बड़े अफसोस के साथ मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि जो भी इंटरनेशनल सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं उनका 20-25% जंगलात के लिए मुख्तस होता है, हमारा आप यकीन नहीं करेंगे हमारा टोटल 3% है, केपीके का 13% है, हमसे सिंध का भी ज़्यादा है, सिंध इज़ 4.8%, पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर 3%, इसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी चिंतित वक्त का। तो नाज़रीन, जंगलात, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि जंगलात बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं आपके माहौल को बेहतर बनाने में, तो अच्छी खबर ये है कि अभी एक महीना नहीं हुआ है पीटीए की नई गवर्नमेंट जब आई है और सुल्तान खान साहब ने संभाली है इस मिनिस्ट्री को, अच्छे इकदाम का कहा है इन्होंने कि अच्छे इकदाम कर रहे हैं और बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में पूरे पंजाब में बल्कि लाहौर में भी ये पौधे लगाने जा रहे हैं। और अब अच्छी बात इसमें एक और ये भी है कि एक सिस्टम इस तरह का वजह करने जा रहे हैं कि सैटेलाइट के ज़रिए से निगरानी की जाएगी उस सारे मामलों की कि किस तरह प्लांटेशन की जाती है और अगर वहाँ पर जो टिम्बर माफिया भी सरगर्म है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की स्मोक की कि स्मोक बनती कैसे है, क्या वामिल हैं जो हमारी हमारे माहौल को हमारी फिज़ा को आलूदा करते हैं। हमने आपको बताया कि महकमा माहौलियात इस स्मोक से छुटकारा पाने के लिए क्या इकदाम कर रहा है। हमने आपको ये भी बताया कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं स्मोक से बचा कैसे जा सकता है। हमने आपको ये भी बताया आज के प्रोग्राम में कि हम अपने इस अच्छे माहौल को मजीद साफ सुथरा किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से हम इस आलूदगी से छुटकारा पा सकते हैं। हमने आपको ये भी दिखाया कि महकमा जो जंगलात है वो किस तरह से अपना रोल अदा कर रहा है इस माहौल को बेहतर करने में और जिस तरह से उनकी प्लानिंग है वो भी हमने आपको दिखा दी। और हमने आपको ये भी बताया कि महकमा मौसमियात क्या कहता है आने वाले मौसम के हवाले से कि स्मोग बनेगी ज़रूर लेकिन हो सकता है कि इस बार स्मोग ज़रा से कम हो। हमने आपको ये भी बता दिया कि ये वो कौन से अवामल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी फिजा को आलूदगी से बचा सकते हैं और हमें भी किरदार अदा करना होगा अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में। उसके लिए हमें करना ये होगा कि पुरानी जो गाड़ियाँ हमारी हैं जो धुआं ज़्यादा छोड़ती हैं उनको हमें उनका इस्तेमाल कम करना होगा, हमें कूड़े का जो मुनासिब इंतजाम करना होगा, कूड़े को जलाते हैं लोग, कूड़ा जलाना भी नहीं चाहिए और साथ ही साथ जो प्लास्टिक है वो भी इसका बायस बनता है हमारी फिजा में आलूदगी का। हमने आपको इंडस्ट्रीज भी दिखा दी कि जो एक बुनियादी किरदार अदा करती हैं हमारी फिजा को आलूदा करने में। अब हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उन अवामिल को हम तर्क करें जो हमारी फिजा को आलूदा करने के बायस बनते हैं और उन इकदाम पर हम अमल करें, वो इकदाम करें जिससे हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस माहौल को आलूदगी से बचाने से सिक्योर होगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे इन सारा अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।